मैं क्या हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ पर मैं एक बॉडी पॉजिटिविटी कैंपेन पे काम कर रही हूँ इंटरनेशनली। एक जैसे हर कोई होता है बॉडी में किसी की कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, हर किसी को होती है, नॉर्मल बात है। तो अब उसको हर कोई मजाक उड़ाता है, कुछ लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। आपको कुछ पूछना हो आप लोग पूछो, मैं कुछ बोलूँ आप लोग सुनो, इंटरैक्टिव करो, एक दोस्त की तरह समझो आप लोग, कोई टीचर नहीं कोई कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल दोस्त होता है वैसे आप लोग बोलो, ठीक। पेशेंट एडवोकेसी और एंटी बुलिंग, देखो क्या होता है कि हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि किसी को कोई बॉडी में दिक्कत है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत कांटा है, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा खुद सोचो, क्या इम्पैक्ट पड़ा। वो तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, मे बी घर जाके रोए, डिप्रेशन में चला जाए। डिप्रेशन सब समझते हैं, सब समझते हैं। अगर सोचो वो बाहर ही निकलना बंद कर दे, तो हम इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हैं। तो चलो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। देखो ये देख रहे हो, सबको दिख रहा है पिक्चर, इसको कहते हैं CML। हर किसी की बॉडी में एक दिल होता है, सबके होता है थोड़ा सा, एक दो दिल कहीं ना कहीं। तो देखो CML एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में बहुत सारे दिल हो जाते हैं। ब्लड देखो इसके जैसे, देखो एक है बड़ा है, किसी के तीन है, किसी का पूरा पैर का इतना एरिया कवर कर रहा है, और किसी के देखो पूरे बॉडी का इतना बड़ा सरफेस है। तो देखो CML जैसे ये कंडीशन है, ये मुझे भी है कंडीशन, देख सकते हो मेरे भी बहुत सारे दिल हैं। देखो इधर ऐसे मेरा पूरा पेट भी कवर है, इसको कहते हैं CML। CML कोई बीमारी नहीं है। CML में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल इंसान के एक दो दिल होते हैं, वैसे हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे क्या फेस करते हैं, बुलिंग मतलब ड्रैगिंग, टीजिंग। इसमें क्या होता है, जैसे हम छोटे थे, आपको हम सच्चाई बताते हैं, हम छोटे थे क्लास 3rd-4th में थे, हम स्कूल गए, फ्रेंडशिप नहीं करता था मुझसे कोई, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे दिल हैं, कहीं टच करने से तो नहीं हो जाएगा, बहुत कॉमन चीज़ है। तो दिल क्या, आपका आप अपना दिल छूते हो, किसी को छूते हो तो उसके दिल हो जाता है, नहीं होता है। पर आपने क्या किया कि किसी ने, किसी बच्चे ने किसी बच्चे से बोला इससे दोस्ती मत करो इसके दिल है, इससे दोस्ती मत करो इसके ये है, उसको उसने तो बात बोली, ख़त्म करा, वो घर गया, खेला कूदा अपने ग्रुप के साथ, सब दिया। पर तुम लोगों ने जिसको बोला उस पर क्या असर हुआ, आप लोगों ने कभी सोचा उस पर क्या असर हुआ है? मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली उस पर क्या इशू जाता है, कभी आप लोग सोचिए उसको बैठ के एक बार। अब आप देखो इसको कहते हैं पॉट माइंडसेट। कभी कभी आपने देखा होगा सड़क पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी के पूरा लाल लाल हो जाए चेहरा, किसी का हाथ पूरा लाल होता है। क्या होता है, आपको खून बॉडी में क्या देता है, आर्टरीज वेंस होती है जो खून देती है, जब बच्चा पैदा होता है पेट में ही होता है, तो क्या होता है कि आर्टरी वेन की मैलफॉर्मेशन मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है खून इकट्ठे हो जाता है। वो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बस क्या है कि वो खून इकट्ठा हो गया तो आपकी बॉडी में एक नया रंग दिखेगा। बॉडी को कौन सा, अच्छा जो जल्दी से बताओ बॉडी को, एक बेसिक क्वेश्चन, जो हम लोग को ये कलर है, स्किन कलर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, सबका अलग अलग कलर है, बॉडी को स्किन कलर कौन सा क्या देता है? कभी आप लोगों ने मेलेनिन सुना है? कभी भी जो आपने बायोलॉजी में ना बच्चा बताओ, गर्मी में होते हैं तो मेलेनिन उड़ जाते हैं, वजह से बॉडी ब्लैक हो जाती है, और ठंडी में मेलेनिन नहीं उड़ता है, वजह वाइट रहती है। हाँ अब हम बताते हैं मेलेनिन क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है बॉडी में। ये पिगमेंट क्या करता है कि ये आपको जैसे सन से सबको पता है यूवी रेज आते हैं, यूवी रेज बॉडी को नुकसान करते कि फ़ायदा बताओ, नुकसान करता है। तो क्या हुआ जब गर्मी आई तो यूवी रेज हमारी बॉडी पे पड़े, अब हमारी बॉडी में कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कत ना है, तो क्या रिलीज हुआ मेलेनिन। उसने क्या किया, मेलेनिन हमेशा डार्क कलर का होता है, तो उसने क्या किया डार्क कर दिया। आपने देखा होगा अफ्रीका, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, इक्वेटर के पास जगह होती है, क्या हुआ वहाँ के लोग देखा होगा एकदम ब्लैक। कश्मीर चले जाओ यहीं पे, वहाँ पे धूप कम निकलती है, मेलेनिन की ज़रूरत है यहाँ पे, वहाँ पे लोग गजब हो एकदम बिल्कुल रेड रेड देखो, ये डिफरेंस होता है मेलेनिन का। तो वैसे ही इसमें क्या होता है कि बच्चों जब खून इकट्ठा हो जाता है तो वो रेड रेडिश कलर आ जाता है। नॉर्मल इसमें यही है, इसका ट्रीटमेंट इन दोनों केसेस में ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, आप खाली प्लास्टिक सर्जरी ही करा सकते हैं। जो चीज़ बाय बर्थ है तिल है, आप लोग तिल कोई दवाई से नहीं हटा सकते, खून आपके यहाँ पे है, अगर वो चीज़ कलर दे दिया है तो आप वो चीज़ कोई दवाई से नहीं हटा सकते, उसके लिए क्या चाहिए प्लास्टिक सर्जरी। आप लोगों ने सुना होगा लेज़र ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें कराई जाती हैं, क्योंकि अगर
कोई दिक्कत नहीं है तो लोग क्यों करा रहे हैं? लोग इसलिए कराने लगे आजकल क्योंकि कॉस्मेटिक के लिए लोग परेशान होते हैं। क्या होता है कि मैंने जितने भी केसेस देखे हमारे हॉस्पिटल में, अगर ये सब हटाने आते सर चेहरे पे खराब लगता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लोगों को पता है फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के बच्चे आ रहे हैं। एक दिन मैंने काउंसलिंग करी, मैंने बोला बेटा क्यों हटवाना है ये चीज़, देखो मेरे भी इतना है, तुम लोगों को क्यों हटवाना है? कोई रीज़न है हटवाने का? जब कोई दिक्कत नहीं देता क्यों हटवाओगे? उसका कहना है कि हम बच्चे कहते हैं कि हम इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, हम इसको छुएंगे नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्या है जो इसको छुआ नहीं जाए? हम आप लोगों से सिर्फ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ सवाल पूछना एक बार अपने मन में ला हुआ कि ऐसा क्या है। अब आप देखो ब्रिटिली को, आप लोगों ने देखा होगा सफेद दाग होता है, किसी किसी को देखा है सबने सफेद दाग को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? विटिलिगो। देखो विटिलिगो भी जो है वो हेरिडिटी कंडीशन है। वो क्या होता है कि जैसे किसी किसी के परिवार में होता है तो पूछा जाता है कि आपके परिवार में ये हेरिडिटी होती है, ऊपर से मतलब बच्चों को आती है किसी के लिए, ठीक, मतलब माँ बाप को है, दादा दादी को है, किसी से थ्रू आ जाती है, हेरिडिटी होती है, जेनेटिक होती है। अब देखो विटिलिगो जो है, विटिलिगो के लोग सबसे ज्यादा तंग करे जाते हैं। क्या हुआ? सफेद दाग एक फोटो खींचती है, हर कोई जानता है शादी पार्टी फोटो। आप देखोगे जिसको विटिलिगो होता है वो लोग फोटोज नहीं खिंचाते ज्यादा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी फोटो में सब नॉर्मल है, एक थोड़ा सा अलग दिख रहा हो, सबकी नजर किस पे जाएगी? जो अलग दिख रहा है। रोड पे निकलते हैं, ये देखो बच्चे आपके छोटे छोटे भाई बहन होंगे, आप लोग रोड पे निकलते हो, अगर कोई भी आड़ा दिखा दिखता तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, दीदी देखो देखो कैसा दिख रहा है, दीदी देखो देखो ऐसा दिख रहा है। सब कहते हैं विटिलिगो को लोगों को ये चीज़ बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। आप सोचो कोई रोड पे निकलते हैं कि देखो देखो इसका कैसा कैसा चेहरा है, बड़े गंदे गंदे शब्द यूज करे जाते हैं, कुछ बहुत गंदी गंदी भाषाएं यूज करी जाती है उनके लिए, ठीक है। हम लोगों को करनी चाहिए, आप कुछ सोचो क्या करनी चाहिए। आप लोगों ने एक बार मार्केट में निकलते निकलते मुझे एक बजे कैसा दिख रहा है मसंदा सा, जी तुम लोग को बोल के निकल गए, मतलब हम आप लोगों को नहीं, हम नॉर्मल लोगों को बोल रहे हैं, कोई भी कह के निकल गया, आप लोग भूल गए वो बात, आप पूरा दिन अपना वैसे ही गुजार, जिसने सुना उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मुझे खुद सोचो आप लोग क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्या वो बाहर जा पाएगा, वो निकल पाएगा बाहर अच्छे से? नहीं, उसको दिक्कतें होंगी, वो बार बार सोचेगा, वो फोटो खींचने से पहले अपनी सेल्फी लगाने से पहले भी नहीं देखा, सोचेगा कि अरे यार लोग हमें क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या देखेंगे मेरे बारे में, सोचिए आप लोग ये चीज़ें। फिर आप देखो अब हम लोग बात करते हैं टीजिंग या बुलिंग की, जो हम लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। देखो हम लोग मजाक जो करते हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है प्लेफुल, एक होता है हार्मफुल। एक है हम लोगों ने हंसी खेल वाला जो किया, जो कि अच्छा होता है कि हम लोगों ने कॉमेडी करा, जोक किया, एक दूसरे पे भी हमने कुछ बोला, अच्छा वाला मजाक किया जो कि किसी जगह गलत नहीं जाता है, उसका इम्प्रेशन कहीं पर कुछ गलत नहीं होता है। हमने घर जाके भी सोचा तो वो चीज़ अच्छी है, हमने मम्मी को बताया, अरे मम्मी हम लोगों ने ये मजाक किया, होता है नॉर्मल नॉर्मल मजाक। दूसरा आता है हार्मफुल, हार्मफुल में एक होता है इंटेंशनल, एक होता है नॉन इंटेंशनल। देखो हम लोगों ने एक मजाक होता है जो हम लोग किसी दूसरे इंसान को चोट पहुँचाते, एक होता है इंटेंशनल, जैसे तुम जानते हो तुम्हारा एक ग्रुप है, दूसरे ग्रुप से चिढ़ता है तो तुम लोग क्या करते हो, लड़ाई हुई, ए मोटे ए पतले ए लंबे ए नाटे सब करते हैं, ठीक है। तो ये जो लड़ाई है ये चीज़ हार्मफुल भी हो जाती है। कभी कभी क्या हुआ कि आपके क्लास में सब कोई अच्छा है, किसी को कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, आपने क्या किया लड़ाई झगड़ा में उसको या फिर हंसी मजाक में भी आपने उसे बोल दिया, उड़ा दिया। पर ये क्या हुआ, इंटेंशनल आपका, जो आपने उसका मजाक उड़ाया। अब क्या है, वो घर जाएगा अपनी मम्मी से रोएगा, अपने पापा से रोएगा, मैं फिर डिप्रेशन में चला जाए, हमको क्या पता, स्कूल को डेली आएगा पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा और वो मेंटली बहुत, बच्चों आजकल आप लोगों ने हर जगह सुना होगा मेंटल इशू, बॉडी पॉजिटिविटी, बहुत कैंपेन चल रही है, टीवी हो गया, हर जगह ऐसी चल ही रही है। इसीलिए हम आज हम लोग बच में आए इसी के बारे में सिर्फ बात कर लें, कोई आप लोगों के ऊपर ठोकने नहीं आए अपना कि आप लोग यही मानो, या हम आप लोगों को ऐसा नहीं कहने आए कि लेक्चर, बस हम आपको एक चीज़ बात बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे नॉन इंटेंशनल है, आपने क्या किया कि नॉन इंटेंशनल, कभी कभी आप नहीं भी चाहते हो पर किसी को मेंटली आप लोग इफेक्ट करते हो। कैसे, क्या हुआ कि अभी हमने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है। अब सड़क पर अगर कोई जा रहा है और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बच्चों, सबसे कॉमन बता रहे हैं छोटे हाइट में, वो लोग जाते हैं जब लोग
कोई तो अगर जाता है तो सबकी एक बार नजर अरे वो यहाँ से निकल रहा है तो लोग पीछे तक देखते जाओ सब घूरो क्या उसे अच्छा लगता होगा घूमना। आप सोचो आप मार्केट में जा रहे हो हर कोई आपको घूरे क्या आपको अच्छा लगेगा सबको अजीब लगेगा यार हमको घूरा जा रहा है नहीं घूरा जाना चाहिए सबको बहुत ऑकवर्ड लगता है। आप लोग को हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम आपको बताएंगे आप अपने जैसे 3 लोगों को बताओगे 10 लोगों को बताओगे तो कुछ तो शायद सोसाइटी में इफेक्ट पड़े कुछ तो डेवलपमेंट आए। बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है बच्चों इंटरनेशनली अगर हम काम कर रहे हैं तो हमने वहाँ पे देखा है कि ये लोग इस चीज़ के लिए बहुत नॉलेजेबल है बहुत मतलब सब एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ में बहुत हेल्प आउट करते हैं। अगर हम US कॉन्फ्रेंस में गए कहीं भी गए तो हमने यही चीज़ देखा है कि मतलब एक होता है ना कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ के वो चीज़ें समझते हैं और हम चाहते हैं कि मेरे देश के बच्चे समझें। अगर हम बाहर हैं तो हम बाहर क्यों काम करें मेरा काम करने का मन है यहाँ पर कि हम यहाँ के लोगों को बताएं कि ये चीज़ें गलत नहीं है। अगर बच्चा डॉर्फ है तो क्या उसकी गलती है अगर किसी को CMM है तो क्या उसकी गलती है किसी को विटिलिगो हुआ क्या उसकी गलती है नहीं है। आप लोगों को बच्चों यही आप लोग को बता रही हूँ मैं आप आगे जाके किसी को बताइएगा। अब देखिए जैसे अगर नॉन इंटेंशनली अगर किसी ने हंसी मजाक में भी किया तो उसका क्या है वो डर गई सहम गए बच्चे अगर आपने मजाक उड़ाया वो डर गया सहम गया मैं भी किसी को क्राउड से बच्चे अलग हो जाएगा वो दोस्तों से कम बात करेगा हर जगह कम आएगा। अब जैसे आपको हम बताएं अगर हम आपको पूछ रहे हैं कि अगर आपको जानना है जैसे मेरे ये है अब आप हमने दूर से देख रहे हो घूर रहे हो तो हमको अजीब लगने लगेगा हम क्या होंगे हट जाएंगे कुछ करेंगे। अगर आपको जानना है क्या है आप लोग क्या करो अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है आप जाओ उस इंसान के पास पूछो कि मैम भैया दीदी आपको क्या है। अगर आप हमसे आओगे पूछने तो क्या हम आपको डांट के भगा देंगे हम कहेंगे नहीं बच्चा इसी से आपके एक दिल होता है जैसे मेरे बहुत है हमको CMA है। अगर आप किसी के पास जाओगे तो आपको बताएगा नहीं क्योंकि कोई भी आपको ज़बरदस्ती आपको सुनाना कोई नहीं चाहता है कोई भी किसी बच्चे को डांटना चाहता है बच्चे तो हर कोई प्यार करता है हर कोई खेलता है उनके साथ तो इसीलिए अगर आपको कोई डाउट है कुछ है आप लोग जाके पूछो रैदर देन आप उनको घूरो या कमेंट पास करो आप पूछ लो उनसे। तो इस चीज़ को हम आप लोग इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सबको शेयर करो हर किसी को आप बताओ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगा ऐसा करो ठीक। अब इसको कौन जानता है भारती सिंह सब जानते हैं बताओ कौन है कपिल शर्मा शो में आती है इसको जानते हैं बच्चा यादव एवरीवन नोज़ है ना सबको ही जानता है हर कोई कपिल शर्मा शो देखता है। अच्छा ये बताओ अगर ये लोग मोटे की जगह पतले होते तो चलते शो में कोई बता तो इसको कहते हैं बॉडी पॉजिटिविटी कि आप जैसे हो आप अपने आप से वैसे ही प्यार हो जरूरी नहीं है कि आपको सोसाइटी में सेट होने के लिए 0 फिगर की जरूरत पड़े खूब सारी क्रीम लगा के घूम के एकदम बिल्कुल वाइट दिखना है कि कुछ करना है ठीक है एवरीवन नोज़ दैट आज अगर ये लोग दुबले पतले होते तो उतना नहीं चलते। भारती सिंह कब से है हेल्दी थी तो फिर भी थोड़ी कम हुई है उसके से मोटापे की वजह से वो फेमस है ये लोग अपने हेल्थ की वजह से ही फेमस है। इसको कैसे बच्चों बॉडी पॉजिटिव आप जैसे हो वैसे अच्छे इसको बताओ कौन अब आपकी क्लास में जैसे कोई क्लास में कहीं भी पूरा बच्चा एकदम सूखा बच्चा होता है पतला होता है ना सब उड़ाते अगर ये मोटा ताता होता तो क्या कपिल शर्मा इसे जो भी शो है क्या नाम मिला तारा मेहता उसमें चलता फेमस है ना ये अपनी पर्सनालिटी इसके लिए ये कौन है खली खली की हाइट क्या है 7.1 7.1 है वो कितना लंबा है अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे देखेंगे बहुत लंबा है। अगर उसकी हाइट नाटी होती तो ना तो वो पहली चीज पुलिस में होता क्योंकि उसका पहला करियर पुलिस था पुलिसमैन के बाद WWE का अगर लंबा ना होता तो क्या वो जाता WWE नाटे नाटे तुम देखे हो नहीं जा पाते इंडिया से कोई भी तुमने देखा होगा हेल्दी है एकदम क्योंकि बाहर के शो है वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है तो आज लंबा है उसी तो इसीलिए आप लोग देखो कि कोई कोई होता है सड़क एक्सट्रीम लंबे लंबे लोगों को आपने देखा होगा तो जा रहे थे बहुत लंबा है मम्मी तो देख मम्मी कितना लंबा है हर कैसे सब करते हैं चलो आप लोग ये चीज़ें पढ़ लो। अब इसको देख लो 0 पिक्चर में शाहरुख खान
कोई अपने में अलग है, हर किसी को भगवान ने किसी रीजन से अलग बनाया है, तो उसको एम्ब्रेस करो, उसको आप लोग मानो कि हाँ अच्छा है कुछ मैंने। अगर आप सांपले हो तो ये नहीं कि हम ब्यूटी क्रीम करा रहे, लेजर ट्रीटमेंट करा रहे, नहीं यार, भगवान ने दिया है उसको एम्ब्रेस करो, अच्छे हैं जैसे भी है। अगर आप लंबे हो, नाटे हो, आपको कोई डिजीज है, तो बच्चों अगर उस बच्चे को नहीं इफेक्ट पड़ता तो सोसाइटी इफेक्ट कराने लगती है, यारे थोड़ा थोड़ा घूमना, कुछ कमेंट पास करना। ये मेरा बच्चों ये क्लास लेने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग ये जानो कि बच्चों आप लोग अगर अपने आपको आज हमने कुछ बताया, अगर आप इससे कुछ भी सीख, आपने अभी आपके फ्रेंड्स को बोला, घर में बोला, मम्मी पापा भाई बहन किसी को बोला, तो इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो शायद रिफॉर्म आए, कुछ ना कुछ तो। अगर आप तुम्हारे सामने होगा बच्चा, क्या नाम है आपका? शीतल। अच्छा शीतल, तुम सोचो अब तुम्हारे सामने अगर कोई भी मजाक किसी का उठाएगा तो तुम सुनोगी? कहोगे नहीं नहीं ना करो, रोकोगी तुम ऑब्वियस है कि आप किसी का मजाक मत उड़ाओ। बच्चों यही मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा रिफॉर्म आप लोग लाओ, थोड़ा हम लाए तो सोसाइटी डेवलप करेगी, हम लोग डेवलप करेंगे, क्योंकि हम ही लोग यूथ हैं। हमारे पेरेंट्स वो जनरेशन अब जा रही है धीरे धीरे, वो ओल्ड होती जा रही है, पर अब हम लोग यूथ में आ गए, हम ही लोग को रिफॉर्म लाना है। अगर हम लोग चेंज लाएंगे तो हमारा इंडिया चेंज होगा। बच्चों तो हम लोग का मेरा यही मोटो है, बीइंग डिफरेंट इज योर सुपर पावर, अगर आप अलग हो तो वो आपकी सुपर पावर है, उसको एम्ब्रेस करो। और कुछ किसी को पूछना हो, कुछ बोलना हो, कुछ भी मन में हो, एनीथिंग, कोई बिटाओ। तो इंटरैक्टिव था, बोरिंग तो नहीं था? देखो बच्चा वाइट, देखो अभी हमने तुमको क्या बताया, मेलेनिन। विटिलिगो में क्या होता है, जो मेलेनिन है जब वो खत्म होने लगता है तो हमारी स्किन वाइट होता है, जब ये कलर है हट जाएगा तो कैसा कलर आएगा? वाइट आएगा। तो वो एक बीमारियों के उसमें सेल होते हैं जो मेलेनिन, वो उसको उनकी डेथ कराता है, उनको हटाता है, जब वो हटता है तो हमारी स्किन वाइट होती है, उसी को बच्चों विटिलिगो कहते हैं। वो किसी के छूने से नहीं होती है, जेनेटिक होती है। अगर आपकी मम्मी पापा को है, या आपके दादा दादी को है, या किसी दूर में आपके रिश्तेदारों को है, सारे रिश्तेदार, तो फिर उससे आपको हो सकता है, मतलब बाय बाय होता है, से किसी के साथ खाने से, किसी से बातचीत करने से नहीं होता, ठीक है? और कुछ कोविड टाइम में बच्चों तुम लोगों को मास्क लेके